हेलो बच्चों, कैसे हो सब? नमस्ते। सेमेस्टर वन पूर्ण हो गया तो मैं आपको फिर से वीडियो में ऑनलाइन स्वागत करती हूँ। तो सब बच्चों, अपनी सेमेस्टर टू की आपकी टेक्स्ट बुक साथ में ही है, सेम वन और सेम टू। तो 8 पार्ट तक हमारे सेम वन में पूर्ण हो गए, तो अब हम चलेंगे पार्ट 9 में। तो बच्चों, अब सब लोग टेक्स्ट बुक निकालिए और पेंसिल हाथ में, जैसे हम क्लास में करते हैं ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। आपको इस पार्ट में बहुत मजा आएगी। तो पार्ट का नाम है कैसा सोर। तो ये पार्ट में आपको कैसा सोर यानी कि सब्जी, सारी सब्जियां साथ में मिलके जो आवाज़ करती हैं उनका परिचय दिया गया है। तो आइए मैं आपको बताऊं इस पार्ट में क्या कहना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, इस पार्ट में हम पेंसिल के साथ लाइन में अपने आप पढ़ते जाएंगे। मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनना है, ठीक है? फिर जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ आपको उसके अर्थ लिखने होंगे। कई मैंने लिखे हैं, कई ऐसे हैं जो हम ऐसे ही लिखेंगे, बोलेंगे। और साथ में, बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी। तो ये जो पेड़ का चित्र है उसके नीचे जो आदमी सोया है उनका नाम है बिरजू चाचा। उनके बड़ा खेत था और उसने बहुत सारी सब्जियां बोई थी। बहुत सारी सब्जियां एक साथ इकट्ठी होती है तो क्या होता है? शोर। जैसे हम सारे स्टूडेंट एक स्कूल में हम जब इकट्ठे होते हैं तब क्या करते हैं? शोर। इसी तरह हाँ, खेत में बहुत सारी सब्जियां एक दूसरे में शोर करती हैं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। उन्हें नींद आ गई। तब खेती की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। सब्जियां एक दूसरे में नोक झोंक करना यानी कि उग्र से चर्चा करना। हम कैसे, अगर हमारे सर हो या तो मैम है, अगर वो आराम कर रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे? एक एक दूसरे में जोर से आवाज करेंगे। जैसे कि मैम का ध्यान नहीं होता है तो हम क्लास में करते हैं ना, इसी तरह खेत में बिरजू चाचा तो सो गए थे, तो सारी सब्जियां साथ में मिलकर आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। तभी आपको ये जो चित्र देख रहा है वो है आलू का। तो आलू कह रहा है, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आलू क्या कह रहा है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ और मेरी बिना तो सबकी सब्जी क्या है? अधूरी, यानी कि उनके बिगड़ फीकी है। बच्चों, बूढ़ों को बहुत मैं भाता हूँ। आपको भी अच्छा लगता है ना, आलू पोटाटो सबको पसंद है। जिनसे बनती है चाट यानी कि चटपटा व्यंजन, चिप्स टिकिया जैसा चटपटा मज़ेदार खाने की चीज़ें, जैसे हम वेफर खाते हैं ना चटपटे जैसा। तो उसके पास में है मिर्ची का चित्र। वह कहती है कि मैं सबसे बहुत पसंद करती हूँ, मुझे भी लोग पसंद करते हैं। फिर है मटर। उनके दाने उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियाँ में हम मटर अभी डालते हैं ना। पता है अभी आएंगी ठंडी के सीजन में मटर, जो बोलते हो गुजराती में वटाणा, जो पुलाव और चटपटी कचौड़ी की जान है। चावल में हम अगर मटर डालते हैं तो एकदम हरी हरी मस्त लगने लगती है। मटर का जो टेस्ट होता है उनके कारण चावल क्या हो जाते हैं? एकदम चटपटे। तो उसी समय लौकी का चित्र दिखाई दे रहा है। लौकी और गाजर जो कूद पड़े, और रायता कोफ्ते हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तो वहां से लौकी भी बोल रही है और गाजर भी। गाजर और लौकी का क्या बनता है? हलवा, जो हमारा मिठाई का व्यंजन, व्यंजन यानी एक प्रकार का खुराक। रायता, जो हम गाजर के चिप्स बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, रायता बनाते हैं। कोफ्ते यानी कि लौकी के जो हम कोफ्ते, यानी कि जो आपने सुना ही होगा सब्जी बनती है कोफ्ते की, वो। इसी तरह मेरे रूप रंग देखा कितना सुंदर है लाल मेरा। वो गाजर बोल रहे हैं कि मेरा रंग भी कितना अच्छा है। मेरा नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी। और मुझे खाने से लोग क्या रहते हैं? स्वस्थ। तो उनके बाद है गोभी का चित्र। गोभी भी आ गया है। वो बोलती है, मैं तो आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ।
और सब्जी में के अलावा कचुम्बर और सलाद में तो मेरा स्थान है। अगर हम गोभी नहीं डालते हैं तो उनके अलावा हमारा सलाद यानी कि ककुम्बर जो बनाते हैं वह सबसे अलग है। फिर मिर्ची आई चित्र, तो आगे हमने जो देखा वह चित्र इमली का था। अभी बारी आएगी वो है हरी मिर्च। तो पीछे क्यों रहे मिर्ची, ऐसे बोल रही है हरी मिर्च। इसी तरह हम दूसरा भाग देखेंगे। तो मिर्ची भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आपके सब्जी की कीमत है? मिर्ची के बगैर तो हमारी सब्जी की सही में कीमत नहीं है। मेरे बिना सब्जियां फीकी है, सही बात है मिर्ची की। तो अब जो चित्र है वो है भिंडी का। तो भिंडी अपनी कोमलता और अनूठे के स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता, करेला तो कड़वा होता है, खट्टा वह बोलने जा रहा था तभी टमाटर ने उसके बीच में रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही सब दूर भागते हैं, मेरा स्वाद तो कैसा है, खट मीठा। तो यह बात सुनकर करेला तो और भी चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। सही बात है, करेला बोल रहा है भले मैं कड़वा हूँ लेकिन मेरे से तो कितनी सारी बीमारियाँ जाती है, और सिर्फ दिखावा अच्छा नहीं होना चाहिए, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। जिस बीमारी को ठीक करने का लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार हमारा आता है बैंगन, उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी और सही है। लेकिन यह बीट, गाजर, सब चित्र बता दे, कैप्सिकम, ककुम्बर, शिमला मिर्च, ये जो बड़ा मिर्च है उसको बोलते हैं शिमला मिर्च, मिलाकर बनता है कचुम्बर। और कचुम्बर कैसा होता है, लज्जतदार। जैसे दिखाई दे रहा है चित्र में बीट, गाजर, ये सारे का तो ककुम्बर बनता है कचुम्बर, लेकिन आलू, गाजर, फूलगोभी, भिंडी, मिर्ची, धनिया, अदरक, ये सारे मसाले डालने से और भी सब्जी क्या बन जाती है, मज़ेदार। इसीलिए वह सब कहते हैं हम हिलमिल कर रहेंगे तो सारी सब्जियां कैसी हो जाएगी, मज़ेदार। इतने में बीजू चाचा जाग उठे और सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी, लौकी, करेला, ककड़ी, बेलो, बेठी, वो भी उठने लगी, शकरकंद, आलू, सारी सब्जियां, पेड़ पौधे सारे में छिप गई। बिजू चाचा ने काम में फिर से मशगूल हो गए। इसी तरह ये पाठ में सब्जियों की बात रखी गई है और उनका परिचय भी दिया गया है, कौन सी सब्जी सब्जी में कौन सा टेस्ट है, स्वाद है, क्या बनता है, वह सारा परिचय बताया गया है। तो स्टूडेंट आप अपने सेम टू की नोट में प्रथम दो पेज छोड़ दोगे जिसमें आपकी होगी पेपर पैटर्न और फिर होंगे इस नौ पार्ट के शब्दार्थ, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।